ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमतये नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातर पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय बात करते हैं रविवार राशिफल कैसा रहेगा, रविवार का दिन क्या प्लानिंग करेंगे। हर एक दिन का प्लानिंग करना बड़ा सही हिसाब से जरूरी होता है। तो रविवार और आज का तारीख 28/8/2010 एक नंबर। तो जिनका भी जन्मांक 1/10/1928 उनके लिए सूटेबल रहेगा। और 6/8 इसका एनिमी नंबर बनता है, तो जिसका 6 जन्मांक 6/15/24 जिनका जन्मांक है और 8/8/17/26 जिनका जन्मांक है उनके लिए ये सूटेबल नहीं बनेगा, और उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अब बात कर लेते हैं संडे रविवार, और रविवार बनता है मेष राशि का घात बार, तो इनको सावधान रहना है। रविवार का दिन अष्टमी तिथि, तो अष्टमी कुंभ के लिए अष्टमी घात तिथि में आता है। धनु के लिए अष्टमी घात तिथि में आता है। सिंह के लिए अष्टमी घात तिथि में आता है, तो इनके लिए सूटेबल नहीं है। इनको थोड़ा सा सावधान और सजगता के साथ रहना चाहिए। अब श्रावण महीना कृष्ण पक्ष, और आज का बेसिक तत्व है नक्षत्र अश्विनी मेष में भोग कर रहा है। करण बालभ योग सूर्य तिथि अष्टमी, सूर्योदय 5:40, सूर्य अस्त 7:14, चंद्र उदय 11:55, चंद्र अस्त 12:50 पीएम, ऋतु वर्षा चंद्र राशि मेष, शक संबत 1946, कलि संबत 5126, विक्रम संबत 2081, दिनमान 13 घंटा 13:33 मिनट 56 से 7 दिन का रहेगा। अभिजीत 12 से 12:54 तक, राहुकाल 5:32 से 7:14, सुबह सावधान कोई भी प्रारंभ ना करें, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 5:32 PM से 7:14 PM शाम को है। दिशा सूल पश्चिम, एकदम ना जाए, परेशानी दे सकता है। मेष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक कुंभ इसमें राशि बल रहेगा। अश्विनी भरणी कृतिका मृगशिरा पुनर्वसु अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी चित्रा विशाखा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद रेवती में बल रहेगा। अब बात कर लेते हैं, रविवार है, सूर्य का होरा के साथ कर्क लग्न अस्त उदय, ऐसे कंडीशन में ये सूर्य का होरा कर्क लग्न 5:40 से लेकर 6:48 तक, इस टाइम पीरियड में यहाँ पर पॉजिटिव स्मूथ एनर्जी है, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत कम नहीं कहूंगा। तो उसके बाद ये धनु का अष्टम रहेगा, सिंह का द्वादश नॉट गुड रहेगा। सिंह 9:01 तक इस समय शुक्र और बुध दोनों का होरा रहेगा, 6:48 से 7:56, बुध 7:50 से लेकर 9:30 तक। एगेंस्ट एनर्जी रहेगा, सपोर्टिव नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा काम में सफलता नहीं देगा। मकर का अष्टम, कन्या का द्वादश, इनके लिए अनसपोर्टिव, बाकी लोगों के लिए चलेगा। उसके बाद कन्या लग्न का टाइम 11:09 तक रहेगा। उसके बाद कन्या लग्न 11:09 तक रहेगा। 11:09 चंद्रमा और शनि का हो रहा 9:03 से लेकर 10:11 तक, उथल पुथल और चिंतनीय लेकिन स्मूथ रहेगा एनर्जी। फिर शनि का हो जाएगा 10:11 से लेकर 11:19 तक, कार्मिक बाधा लेकिन उतना ज्यादा नहीं, हाँ सुइटेबल रहेगा। तुला लग्न 1:21 तक, बृहस्पति का हो रहा 11:19 से लेकर 12:27 तक, और मंगल 12:26 से लेकर 1:35, कोई मैचिंग एनर्जी नहीं मिल रहा है, कोई खास मूवमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। दिन का ये टाइम रेस्ट जो लीजिए, योग निद्रा लीजिए,
बड़ा सारा इस समय कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में नहीं सोचना है, आप आ गया वृश्चिक लग्न। अच्छा ये जो अष्टम देख लेना, मीन के लिए तुला अष्टम हो रहा है और वृश्चिक का द्वादश हो रहा है, इनके लिए नॉट सुइटेबल रहेगा। उसके बाद आज राशिफल बनाने में बड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, फोन ही फोन आ रहा है। चलिए तो ये था एनर्जी, चलिए आगे। अगर यहाँ सुइटेबल नहीं है, वृश्चिक में सूर्य का होरा दिखाई दे रहा है, शुक्र का होरा, यहाँ भी मिसमैच एनर्जी है। सूर्य थोड़ा सा 1:53 से 2:43 तक थोड़ा सुइटेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ भी उतना ज्यादा नहीं देता है वृश्चिक में, इस होरा लग्न में पाप ग्रहों का दृष्टि भी है। उसके बाद धनु में बुध चंद्रमा तो नहीं है, मतलब आखिरी में शाम का समय मकर में 6:06 से लेके 7:14 उसमें कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा कुछ काम आप कर सकते हो, निकल सकता है कुछ अच्छा आज। यहाँ लौकी भक्षण निषेध है, नारियल भक्षण निषेध है, यहाँ नहीं खा सकते हैं। पुष्कर दोष 1 पात लगने वाला है। और रजस चक्र कन्या के लिए बहुत अच्छा नहीं है। शुक्ल तिल सुवर्ण दानम यहाँ करना है। और आज मेष राशि घात बार रहेगा, घात चंद्र भवती मेष राशि स्थित, और पाप बार बन रहा है यहाँ। जो तारा सुधि किसको किसको मिल रहा है, थोड़ा सा आप देख, आज से बता रहा हूँ। रोहिणी अद्रा पुष्या मघा उत्तरा फाल्गनी हस्ता स्वाति अनुराधा मूल उत्तराषाढ़ श्रवणा शतभिषा उत्तर भाद्रपद अश्विनी, इन इन नक्षत्रों का तारा शुद्धि रहेगा। यानी ये लोग कोई भी शुभ काम के लिए अलाउड हैं। यानी आज का डेट मकर का जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा तारा शुद्धि धनिष्ठा को नहीं मिल रहा है, तो जो एक पूछ रहे थे करना है नहीं करना है, तो नॉट अलाउड, रुद्राभिषेक का बात कर रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं। मेष राशि चंद्रमा आपके लिए 70% का टॉप एनर्जी लेकर चल रहे हो, बढ़िया रहेगा। वृषभ का द्वादश चंद्रमा शुरू हो गया, खर्चा टेंशन तनाव पीड़ा नॉट गुड रहेगा 17% का एनर्जी के साथ। मिथुन लाभ चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 90-100% का। कर्क लग्न दशम चंद्रमा कार्य सिद्धि योग सफलता 70-80 गुड रहेगा। सिंह का नवम चंद्रमा राहत भरा स्थिति दिखाई दे रहा है। सिंह के लिए अष्टम कुंभ, नवम मीन, दशम दशम चंद्रमा यहाँ सिंह का नवम चंद्रमा है, तो थोड़ा सा राहत है, ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगा 47 के साथ। कन्या का सप्तम टॉप गुड बेस्ट है, लेकिन राहु के साथ चलने के कारण बहुत ज्यादा रिजल्ट देने का संभावना नहीं है। फिर भी एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती के लिए चले बुल रहेगा, डिसीजन अच्छा रहेगा। तुला का यहाँ सप्तम चंद्रमा यहाँ आपके लिए बहुत गुड दिखाई दे रहा है। कन्या का मैं गलत बोला, अष्टम चंद्रमा आ रहा है का बाधाएं, क्योंकि कन्या का सप्तम हो गया मीन राशि और अष्टम मेष राशि, तो इनका अष्टम हो रहा है 12-13% का एनर्जी के साथ चलेगा, बहुत बढ़िया यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। वृश्चिक के लिए यहाँ छठा चंद्रमा यहाँ मस्त है, टॉप है, गुड है, बेस्ट है, गो गो है, लेकिन डैया का फूल तो मिलता ही दिखाई दे रहा है। धनु के लिए बात करते हैं, पंचम चंद्रमा थोड़ा सा बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं फूल दिखाई दे रहा है, विवेकहीनता और गलत डिसीजन, बेवकूफी, सावधान। मकर का चतुर्थ चंद्रमा कॉन्फिडेंस में कमी रहेगा, कार्यों में बाधा दिखाई देगा। यहाँ 23% के एनर्जी के साथ आज आप चल रहे हो, बड़ा मजा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा संभल के रुक जाओ तभी जाके। उसके बाद धनु के लिए कुंभ के लिए बात करते हैं, तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट गो गो, चिंता का बात नहीं। मीन का द्वितीय चंद्रमा धनवाणी परिवार के क्षेत्र में बहुत बढ़िया, मैं नहीं कहूंगा। अश्विनी नक्षत्र और इस अश्विनी नक्षत्र बकबकी बाचालामी बातचीत बढ़ने वाला, देखना आज का दिन थोड़ा सा इस नक्षत्र में ज्यादा बात, दूर यात्रा में मन चंचल प्रवृत्ति और बहुत आशा में निराशा और कहीं ना कहीं धोखा, और लीडरशिप के लिए लीडरशिप में धन प्राप्ति, और जिनको एस्ट्रोलॉजर राइटर्स और जितने सारे घर का काम करने वाले, इनके लिए थोड़ा सा अच्छा ये एनर्जी दिखाई दे रहा है। अब अश्विनी नक्षत्र का जो बेसिक आज का अगर कर्म को देखते हैं, तो स्कूल एडमिशन, स्कूल कॉलेज, औषध निर्माण और ऋण इत्यादि देना, यात्रा इत्यादि का प्रारंभ अच्छा रहेगा। अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु,
आपके लिए आज बनता है जन्म तारा 70% गुड के साथ 30% सावधानी। भरणी मेष पूर्व भरण सिंह पूर्व साढ़ा धनु अति मित्र जोन टॉप गुड बेस्ट। कृतिका मेष वृष उत्तर फाल्गुन सिंह कन्या उत्तर साढ़ा धनु मकर मित्र जोन टॉप गुड बेस्ट। रणी बेस सस्ता कन्या श्रवणा मकरू तो आपके लिए बन रहा है जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बद्ध तारा सावधान रहो। मृग से राबस मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक तारा बढ़िया है। उसके बाद अदरा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय तारा 50% गुड। पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक प्रभाद कुंभ मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा बढ़िया है। पुष्य कर्क कुंडा वृश्चिक उत्तर भाद बद मीन आपके लिए जन्म विपद तारा सावधान रहो। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन आपके लिए संपद तारा बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।